वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। वॉक करके आ गई हूँ। अब मैं चाय बना रही हूँ। जब तक जाती हूँ बाहर की रोड लाइट बंद करके आती हूँ। सुबह हो गई है, रोशनी भी आ गई है, तो रोड लाइट बंद कर देनी चाहिए। हम सभी को भी लाइट ज़्यादा वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जितनी यूज़ हो हमें उतनी ही जलानी चाहिए। आप भी इस तरह कहीं पर भी लाइट चलती देखें तो उसको तुरंत बंद कर दें, और घर में भी जितनी यूज़ हो उतने ही रूम में लाइट जलाएं, फ़ैन चलाएं। आगे अपने बच्चों के और अपने ही काम आएगी जितने हम हर चीज़ का सदुपयोग करेंगे। आप में से किस किस ने मॉर्निंग वॉक करना चालू कर दी है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको कर दी बंद। उधर एक और लाइट है, मैं उसको भी बंद करके आती हूँ। अब फिर देखती हूँ पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ और आपको भी बताती हूँ। आज मैं आपको मेरा अमरूद का पेड़ भी दिखाऊंगी। ये देखिए अमरूद, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने तीन लगे हुए थे, इसमें से एक तोड़ा था। और देखिए, और देखते कहाँ कहाँ पर है एक अमरूद। तो अभी ये देखिए गिलहरी ने खाना भी शुरू कर दिया है। इसको मैं नहीं तोड़ूंगी, गिलहरियों को खाने दूंगी। हम तो बाज़ार से लाके भी खरीद के खा सकते हैं, वो लोग किधर से लेके आएंगे। उनके खाए हुए मैं एक भी नहीं तोड़ती हूँ। ये देखिए और भी हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे लग भी रहे हैं, अभी लग रहे हैं, थोड़े दिन में पक जाएंगे। इसके रेड होते हैं अमरूद। ये देखिए एक छिपा हुआ था इसके नीचे। और देखते हैं चलिए और कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए एक ये रहा, और भी हैं, वो दो वहाँ पर हैं सामने, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और भी लग रहे हैं। ये दो आशापाल के पेड़, और ये बीच में ये वाला कौन सा पेड़ था, भूल गई उसका नाम, पारिजात, पारिजात का पेड़ है। अब मैं आपके साथ में आज सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए लिया है मैंने थोड़ा सा तेल, उसमें दो बारीक हरी मिर्च काट के डाली है, लहसुन डाला है कूट के, और एक प्याज डाली है छोटी सी। फिर आलू को उबाल करके इसमें डाल दिया, आलू प्याज फ्राई किया उसमें डाल दिया। फिर उसमें मैंने डाला है दो मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो है, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट तक मेरा व्लॉग देखिए, अभी बताती हूँ मैं आपको। फिर इसमें मैंने डाला है दो चम्मच लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक थोड़ा सा ज़्यादा, और एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर, बहुत सारा हरा धनिया, जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ज़रूर डालिएगा। उसी से आपके इस सैंडविच का टेस्ट आएगा, वो है पाव भाजी मसाला और गर्म मसाला। अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन ये है तो ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट देखना बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इस तरीके से सारा मैश करके ये देखिए मेरा मसाला तैयार है। फिर आप बच्चों को ब्रेड पे लगा के चीज़ और कच्ची सब्जियां डाल के अच्छे से इस तरीके से सेक के दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है। देखिए आज मैं कहाँ जा रही हूँ आपको बताती हूँ, चलिए मेरे साथ में। मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ, मैंने दो ऑटो चेंज किए हैं, मैं पहुँच गई हूँ। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं मंदिर आई हूँ, एक प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ पर, वहाँ दर्शन के लिए आई हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ में दर्शन कीजिए। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो गणेश जी विराजमान हैं, वो अपने भक्तों को पता नहीं किस टाइम पर, बहुत सालों पहले या बहुत टाइम पहले पैसे उधार देते थे, और वापस वो लौटा भी देते थे। मैंने प्रसाद ले लिया है, माला ले रही हूँ, और आज मेरा सौभाग्य था कि मेरे को आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी आरती में शामिल हुई। ये देखिए आंटी अपनी मनोकामना बोल रही है मूषक महाराज के सामने। आप भी मेरे साथ आरती में शामिल होइए। आरती हो चुकी है, मैंने आरती ले ली है, अब वापस जा रही हूँ। ये कुछ दुकानें थी भगवान की तस्वीरों की, वापस जा रही हूँ। कुछ शॉपिंग भी करनी थी, आ गई हूँ जहाँ मुझे शॉपिंग करनी है। बहुत कुछ शॉपिंग की मैंने आज, मैं आपको शॉपिंग बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया। अब जा रही हूँ वापस घर, मैं ऑटो में ही आई थी, मुझे ऑटो में आना अच्छा लगता है। घर आई तो मम्मी जी ने टेस्टी खाना बना के रखा था। अब वो गुड नाइट फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ मैं आपसे कल। जा रही हूँ पूजा करने के लिए, वही रोज का रूटीन है मेरा ये। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।
दो अमरूद पके हुए थे तो मैं तोड़ के ले आई। ये देखिए अमरूद कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे अमरूद। फिर मैंने फ्रूट्स काटे बहुत सारे, हम सब ने मिलकर फ्रूट्स खाए। ये मैं बेर का लेकर आई थी खट्टे वाले, लंच पे बना था ये भिंडी आलू की सब्जी ककड़ी और रोटी। अब मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, ये सारे बच्चे को एग्ज़ाम से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ये सब। ट्यूशन पढ़ा ली है, शेर और ओंटी मस्ती से सो रहे हैं। ये था मेरे दो दिन का व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर।